पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सहकारी नेता स्वर्गीय सुभाष यादव की प्रतिमा का अनावरण। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव के जन्मदिन 1 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे सहकारी शक्कर कारखाना सरवर देवला में उनकी प्रतिमा का समारोह पूर्वक अनावरण किया गया। इस अवसर पर राज्य स्तरीय किसान और सहकारी सम्मेलन कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई दिग्गज नेता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। यहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं उपस्थित कांग्रेसजनों ने यादव के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उनका पुण्य स्मरण किया। कमलनाथ ने कहा कि सुभाष भाई ने गरीबों, किसानों और हर वर्ग के लिए संघर्ष कर उन्हें नई दिशा दिखाई। उसी का परिणाम है कि आज भी वे किसानों के लिए एक मसीहा के रूप में विद्यमान हैं। उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। 7वीं लोकसभा में हमने साथ साथ प्रवेश लिया, साथ में काम किया। प्रेस वार्ता में कमलनाथ ने प्रदेश सरकार भी निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री को झूठा मुख्यमंत्री कहते हुए कहा कि उन्होंने झूठी घोषणाएं कर जनता को भ्रमित करने के साथ ही प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना दिया है। आज बाल अपराध, दलित, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और मुख्यमंत्री केवल मीडिया मैनेजमेंट कर झूठी घोषणाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनको बताया नहीं जा सकता कि क्या हाल है। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर सबके सामने है। अभी हाल में ही ओलावृष्टि हुई, 28 से ज्यादा जिलों की फसल की नुकसानी, और शिवराज सिंह जी केवल सर्वे की बात करते हैं और कह रहे हैं राहत मिलेगा एक किसान को 5 हफ्ते। साधु जी की जयंती थी, किस प्रकार का जो किसान सम्मेलन, सहकारी सम्मेलन हुआ, किस प्रकार का संकल्प लिया गया 2023 का चुनाव आने वाला है? देखिए, आज स्वर्गीय पिताजी के जन्मदिन के अवसर पर उनके राजनीतिक जीवन के जितने भी तमाम साथी थे, चाहे आदरणीय कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे आदरणीय विवेक तनखा जी हों, चाहे आदरणीय गोविंद सिंह जी हों, चाहे आदरणीय राजमणि पटेल साहब हों, समस्त साथी ने आज यहाँ पर उपस्थित होकर के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हुआ और सभी ने अपनी श्रद्धांजलि और उनके जो स्वर्गीय पिताजी के साथ जो क्षण बिताए थे उन क्षणों को याद करने का काम किया और शब्दों के माध्यम से सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी और सभी साथियों ने संकल्प लिया कि जो लड़ाई स्वर्गीय पिताजी ने किसान, गरीब और मजदूर के लिए शुरू करी थी, उस लड़ाई को जब तक उनका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उस लड़ाई को जारी रखने का काम किया जाएगा। और जिस प्रकार से 2018 में कांग्रेस के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो स्वर्गीय पिताजी की मंशा के अनुसार ऋण माफ़ी के कार्यक्रम को शुरुआत करने का काम किया गया, बिजली के बिलों को आधा करने का काम किया गया, ऐसे तमाम किसानों से जुड़े हुए मुद्दों को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है 2023 में कांग्रेस पार्टी जो है करने जा रही है। ठीक, थैंक यू। केस कर वो जाने, उससे मेरा को मतलब नहीं। राहुल गांधी अपनी जगह सही हैं, वो कई बार साफ तौर पर कह चुके हैं इस बात को, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस हमेशा आगे बढ़कर लड़ेगी, हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। थैंक यू।